वो खाते हैं डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो वेस्ट निकलता है उसमें से वो वेस्ट में बहुत सारे सिंपल सब्सटेंट जैसे कार्बन है हाइड्रोजन है सब अलग अलग होके निकलता है ताकि यही एलिमेंट्स सारे वापस अर्थ को मिल जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है आपको आपने शादी एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब अमोनिया हम जब पता है नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में तब हम बोलते हैं कि अमोनिया गेट्स कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल सो दीज नाइट्रेट्स द एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर इन द सॉइल सो बेसिकली जब अमोनिया से अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं इन टू द नाइट्रेट्स तो ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अब ये नाइट्रेट्स जो होते हैं ना वो फर्टिलाइजर के हिसाब से एक्ट करते हैं और प्लांट को बोलते भाई अभी आप नाइट्रेट्स लेना शुरू करो सो so, इनकी अगर डीकम्पोजेस नहीं होते वो डी बैक्टीरिया नहीं होते तो शायद अमोनिया कभी नाइट्रेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता और नहीं हो पाता तो प्लांट्स कहां से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते ठीक है so, सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर डीकम्पोज ना हो तो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ वुड बी डिसरप्टेड क्योंकि जो पूल में सॉयल का पूल ले लो या एयर का ले लो या वाटर का ले लो उनमें एलिमेंट्स जो वापस जाने चाहिए वो कभी नहीं जाएंगे तो आपको एक गिव रीजन आता है इसमें दैट द डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिसाइक्लिंग द मटीरियल इन द इको सिस्टम सो दैट द प्रोसेस ऑफ द लाइफ में गो ऑन एंड अन एंडिंग चेन तो वाई ऐसा आप गिव रीजन देते हैं सो यू जस्ट हैव टू राइट वॉट आई एक्सप्लेन यू एंड दैट इज वॉट डीकम्पोज आर बीन यूज फॉर यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं तो फंगाई एंड बैक्टीरिया दीज आर द टू मेन एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजर फाउंड ऑन अर्थ और ये बेसिकली ना सब्सटेंस जैसे अमोनिया है कार्बन डाइऑक्साइड है ये सब जो होते हैं ना उनको सिंपलर में कन्वर्ट कर देते मतलब जो जैसे एनिमल है एनिमल में अब बॉडी इज कम्पोज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दीज आर द मेन एलिमेंट्स कोई किसी की भी बॉडी कंपोज कर रही होती है तो वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर देते हैं अमोनिया जो प्रेजेंट होता है उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे कर करके डिकम्पोजर्स दे हेल्प टू जनरेट द एलिमेंट्स विच आर बीन एब्सर्ब इधर बाय द अर्थ इधर बाय द प्लांट्स ऑन विच दे आर वर्किंग सो स्टूडेंट्स आज के लिए आई गेस दिस इज अनाफ एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडी इन फ्राइडेज लेक्चर वी विल बी गोइंग थ्रू फूड चेन

So, make sure you write them properly and upload it on the site which has been given already. Thank you, bye.